हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 7, डिफरेंशिएशन अवकलन के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे आज। एक्सरसाइज 7.1 की। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अपन? 7.1। उससे पहले हमारे पास किन्हीं एक दो बच्चों का कमेंट आया था, जो अपन ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, वहाँ पे अपन एक टर्म का सॉल्यूशन किए थे। तो आप देखें हमने क्या क्या किसका किया था। डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स पे ध्यान दें। डी अपॉन डी एक्स, किसी का मैसेज आया था सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो वो जब पार्ट 3 थी इसीलिए हमने शुरुआत में किया, लास्ट में भी समझा सकते थे। तो पहले जो चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने कल आपको सूचना दी थी ये चैप्टर अपने लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने को ये अवकलन सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अवकलन और समाकलन का दोनों का उपयोग फिजिक्स में भी खूब है। अपन जितने भी डेरिवेशन करते हैं, जितने भी निगमन करते हैं, उनमें सब में ये दोनों चीज़ यूज होती है। तो फर्स्ट पार्ट में एक दो का मैसेज है सर ये समझ में नहीं आया था कि आपने कैसे सॉल्व किया, ये रूट वाला कहाँ से आया। तो आप दिमाग लगाना, पहले तो मैं इस ये फॉर्मूला हमने यूज किया था वहाँ, देखो कैसे किया था। आप इस पे दिमाग लगाओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या? नहीं है ना। फिर आपको जो हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला लिखा रखा है नंबर 1 पे, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, क्या लिखा रखा है? ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो लिखा रखा है। तो यही प्रॉपर्टी अपने को यहाँ यूज करनी है। जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो n n की जगह कितना दिख रहा है? 1/2, तो 1/2। फिर x x की पावर कितनी है? n माइनस वन, तो कहने का मतलब n की जगह 1/2 माइनस वन, फॉर्मूले वाला ये तो बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। और x की पावर जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1/2 माइनस का बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का। तो आपको पता है अगर कोई भी पद अगर अपन माइनस वाले को प्लस में लिखना चाहें तो वो डिवाइड में भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा ना। ये 1/2 है, इसको अपन नीचे ले गए तो ये प्लस माइनस की पावर है, नीचे किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो इसको आप फिर ये भी तो लिख सकते हो 1/2 ए वन, ये तो हो गया 1/2 ये एक्स। इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? रूट। तो कहने का मतलब रूट एक्स का क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन वापस एक बार आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि तो जो चीज़ अपन को नहीं आई, सबसे पहले सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। आगे तो अपन तभी चल पाएंगे जब पीछे का क्लियर हो। वापस एक बार याद दिला देते हैं इसी को ही, फिर एक इस पर क्वेश्चन करवा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन, इसको आप क्या लिख सकते हो? डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2, ये प्रॉपर्टी आप यूज करो तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स की पावर कितनी बन जाएगी? माइनस के 1/2 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी? इस माइनस वाले को अगर प्लस लिखना चाहो तो उसको आप डिवाइड में भेज सकते हो, और 1/2 को क्या लिखा जा सकता? रूट। क्या लिखा जा सकता? रूट। तो ये बन गया 1/2 रूट एक्स। कहने का मतलब यदि कोई रूट का टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, अवकलन क्या होता? 1/2 रूट एक्स। और इस एक्स का करते हैं 1, वो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए 1 ये साइलेंट रहता है। कहने का मतलब रूट एक्स का क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। अब जैसे हम कोई पद लिख लें बड़ा थोड़ा सा, जो वहाँ पे लिखा था वहाँ वाला तो हमें याद नहीं है क्या था क्वेश्चन में, लेकिन मैं उस टाइप का कुछ बना देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिख दूँ ए स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पे लिख दूँ मान लो ए माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें? ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे यही फॉर्म तो है। अब आप ये काम बार बार तो कर नहीं सकते, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, एक बार चाहो तो आप इसको ऐसे अपने मन में भले ही लिख लो ए माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। नहीं भी लिखोगे तो ये रूढ़ ही लगा रहेगा, समझ रहे? अब आप देखोगे तो अपन को पता है इस फॉर्म में है ये भी डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। तो इतनी इस वाले पद को आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में क्या सेट करोगे कि ये रूट एक्स है। क्या है? रूट एक्स।
तो रूट एक्स का क्या होता था, वन अपॉन टू रूट एक्स। देख लो रूट एक्स का क्या होता था, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स। जैसे ही आप एक्स लिखने का नंबर आएगा तो आप एक्स नहीं लिखोगे, लिखोगे क्या, जिसको आप थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या सेट किए थे, एक्स सेट किए थे, आपको वही लिखना है। क्या लिखना है, ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने आपको यहाँ बताया था कि एक्स का क्या हो गया, वन, तो अब आप ये थोड़ी कह सकते कि ए माइनस एक्स स्क्वायर का भी वन हो गया ना, तो उसका क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में जो एक्स की जगह है ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो जिस पे आपने सर्किल बना के भेजा था कि ये कहाँ से आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस x का अपन यहाँ वन लिखते हैं तो वो लिखते नहीं है, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करोगे वन रहेगा, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि वन हो गया। तो जब नहीं कह सकते तो आप उसको एक बार ऐसे मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स लिख दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वन अपॉन टू रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर इन टू इस a का क्या हो जाएगा, जीरो, और इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2x। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस के 2x बटे में टू रूट ए माइनस एक्स, माइनस के 2x बटे में टू रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, x अपॉन में a माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बच जाएगा, x अपॉन में a माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो पार्ट वन में आपने जो कमेंट करके जो चीज़ हमसे पूछी थी वो पार्ट वन का हमने आपका समस्या का निदान कर दिया। अब भी अगर कोई आपको डाउट रहे तो आप बेझिझक वापस कमेंट करें, वापस मैसेज करें, आपको दोबारा बताया जाएगा, फिर भी नहीं आए चौथी बार बताया जाएगा, आप तब तक पूछते रहो जब तक आपको समझ में ना जाए। अब आपकी जो समस्या थी वो निदान कर दी। अब अपन 7.1 एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही है अपनी, 7.1 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई, क्या दे रखा है आपको, ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में ए, होल डिवाइड में ए। क्वेश्चन आप देख लो वापस एक बार, प्लस माइनस में कोई मिस तो नहीं है, लॉग ई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में ए, क्वेश्चन सही है। अब अपन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखो दिमाग लगाओ, रूट तो केवल इतने पे आ दो, पावर बना अपॉन टू तो बना नहीं सकते, आप ये जरूर बना सकते हैं, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हो लॉग वाले चैप्टर में, लॉग एम अपॉन एन, क्या थी ये प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन पढ़ा था ना, तो आप ये प्रॉपर्टी जरूर यूज कर सकते, करो आप इसको, तो ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू लॉग बेस ई, जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग बेस ई ए, बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं, समझ में आ गया, ये पूरा क्या था एम और ये क्या था आपका एन, तो एम माइनस एन, तो एम की जगह एम आ गया, एन की जगह एन आ गया, इतना समझ में आ गया। अब अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डू द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखोगे आप, डू द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो आप, तो फंक्शन वाई, फलन वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, आप लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो भी सही है। अब आपको पता है लॉग एक्स का क्या होता है, ये आप एक बार ही अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन को पूरा, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई इंटू ए, इतना समझ में आ गया। अब अपन करेंगे अवकलन, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप इतने पूरे को जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इतने पूरे को आप थोड़ी देर दिमाग में क्या मानो, एक्स मानो, क्या मानोगे इस पूरे को,
थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में क्या सेट करोगे कि ये सर एक्स है। जब ये एक्स है तो आपके अनुसार आपने एक प्रॉपर्टी लिख रखी है लॉग एक्स, लिख रखा है ना। तो लॉग एक्स क्या होता था, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स क्या होता था, वन अपॉन एक्स। तो आप लिखोगे क्या, वन अपॉन एक्स। लेकिन हमने आपको बताया जैसे ही आप लिखने का नंबर है, केवल अपन ने एज्यूम किया है कि ये थोड़ी देर के लिए एक्स है, क्योंकि अपन ये सोचें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो लॉग एक्स जैसे ही आपके समझ में आएगा तो आपको पता चल गया लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो जैसे ही वन अपॉन एक्स का नंबर आएगा, तो जब वन अपॉन एक्स का नंबर आएगा तो एक्स नहीं लिखना है, जो है पूरा, तो वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा आएगा। और इनटू में इस एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स। अभी आप एक्स का भी तो करोगे, तो उस एक्स की जगह है क्या, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर सुनो आप, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, फिर इस एक्स का, तो या तो आप डायरेक्ट करके लिख लेते वो भी सही था, या हमने एक स्टेप बढ़ा दिया क्योंकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। अब इसका तो नहीं हुआ ना, तो इसको अपन ने वापस लिख दिया समाकलन अवकलन के पद में, समझ में आया ना। अब माइनस इसका भी करना है, तो ये एक इसका काम करेगा कॉन्स्टेंट का, और आपको पता है कॉन्स्टेंट का क्या होता, जीरो। तो पूरे लॉग बेस ई ए का क्या हो गया, शून्य, जीरो हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखोगे क्या मिलेगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो आपका चल ही रहा है पहले से, वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू। अब देखो दिमाग लगाओ आप इस वाले में, इसका क्या होगा, जीरो, सॉरी इस एक्स का क्या होगा, आप दिमाग लगाओ एक्स का क्या बनेगा, वन। एक्स का क्या बनेगा, वन बनेगा। एक्स का क्या बनेगा आपका, वन बनेगा। कितना बनेगा, वन। कैसे, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक, तो एक एक्स की पावर एक माइनस एक, मतलब एक एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो एक, तो क्या बन गया, एक। समझ में आ गया, तो इस एक्स का क्या बन गया, एक प्लस। अब आप दिमाग लगाओ, अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले आपको सिखाया था रूट वाला, तो रूट एक्स का है ये। आप यहाँ देखो एक मिनट, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये रूट एक्स के अकॉर्डिंग बन गया, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, तो एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जब आप इस पूरे का करोगे तो टू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, और ए स्क्वायर का क्या होगा, जीरो। तो टू से टू कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, अब देख लो एक बार, इस एक्स का क्या हो गया, वन। जब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या लिखोगे, वन अपॉन टू रूट एक्स। अब एक्स की जगह एक्स नहीं आएगा, जो दे रखा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं इसका, तो इसमें एक्स का क्या होगा, टू एक्स, और ए स्क्वायर का क्या होगा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। इस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, उधर का रफ कर देते हैं, ये सॉल्व करते आगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका, ये देखो टू से टू कट जाएगा, तो एक्स का वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स, मतलब वन प्लस एक्स डिवाइड में क्या बचा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो आप, यही तो बचेगा, ये वन तो ये हो गया, वन प्लस टू से टू काट दिया, तो जब वन से एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डिवाइड में ही है। अब आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करो, वो जो आ जाएगा वही आंसर। आपका मेन काम था यहाँ तक आपका डिफरेंशिएशन सही हो जाए, मान लो आपने नंबर लेने का काम कर लिया, अब उसको सजा धजा के लिखना है, लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दोगे तो आधा एक नंबर काट देगा, वो लिखना तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन आपको आती है। ये काम नहीं छूटना चाहिए कि मतलब कोई पद मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस हो गया तो आप मार्क्स आपको जीरो ही मिलेंगे, कोई टर्म नहीं छूटना चाहिए। अवकलन तक तो 100% सही होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन में कोई मिस होगा
तो वो छोड़ भी सकता है। यहाँ से क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डिवाइड में आप क्या एज्यूम करोगे, वन, तो जब वन से डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये टर्म कैंसिल, क्या बच जाएगा एक्स। अब आप देख रहे होंगे ये वाला पूरा, देखो एक्स प्लस रूट और ये देखो एक्स प्लस रूट सेम है ना, कट गया, क्या बचा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा आपके पास, वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, लॉग बेस ई वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक बार सिंबल देख लो आप वापस, लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन, यही है क्वेश्चन। अब आप देखो रूट राड लगानी, सीधे लॉग एम अपॉन एन, बार बार आपको बता चुके, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम, लॉग बेस ई क्या बन जाएगा, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो एम की जगह क्या है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस लॉग बेस ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो है एम माइनस एन, एम की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, आ गया ना समझ में। अब आपको पता है लॉग एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन, अब आप लगाओगे डू द डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब एक्स के सापेक्ष वाई का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखोगे आप, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, कोई टेंशन। अब आप क्या लगाओगे इसको, वन अपॉन है, मतलब लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, इसको आप थोड़ी देर एक्स मानोगे तो वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा ना, इन टू में चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप बना देते हैं, इन टू में एक्स का मतलब इस ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, समझ में आ रहा है ना, माइनस, अब आप यहाँ फिर वही करोगे वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इन टू में इस ब्रैकेट का वन डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, करो आप इनको सॉल्व, ये चीज़ समझ में आ गई ना दोनों, ये देखो कौन से हैं, एक बार तो थोड़ी देर के लिए इसको आप एक्स मानो, तो जब एक्स का करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा या उस एक्स का वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब एक्स तो था नहीं, क्या था ये ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट लिख दिया अपन ने किसके, इन टू में डी एक्स के। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका जब आप अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, और इस एक्स का क्या होगा वन, और इस वन का जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जब आप इसका करोगे तो इस एक्स स्क्वायर का टू एक्स और एक्स का माइनस एक और वन का जीरो, ये समझ में तो आ गया टू एक्स प्लस पर। फिर देखो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, एन की एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू एक्स एन माइनस वन, टू माइनस वन तो वन, ये समझ में आ गया दोनों। अब अपन मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे आप इसको, इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन का जब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टू एक्स प्लस वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वन से मल्टीप्लाई किए तो आएगा ये माइनस, तो फिर क्या मिलेगा आपको माइनस के टू एक्स माइनस वन का कर दो
तो यहाँ पे आएगा आपका 2x माइनस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप एलसीएम लोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो आएगा। और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला पद बचेगा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2x प्लस 1 के साथ। 2x प्लस 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का, माइनस 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ। समझ में आ गया, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जब सेम पद लिख देते तो क्रॉस मल्टीपल बन जाता है। तो dy अपॉन dx, अब आप मल्टीप्लाई करो 2x का, जब यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2x क्यूब, फिर 2x का जब x से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर 2x का जब 1 से करोगे तो प्लस का 2x, ये हो गया इतना। अब 1 का करोगे तो x स्क्वायर, फिर 1 का किया तो माइनस x, फिर 1 का 1 से किया तो प्लस का 1, ये इन दोनों का आ गया, ये आ गया फर्स्ट दोनों का, मतलब इसका और इसका क्रॉस मल्टीपल ये आ गया। फिर माइनस, अब ब्रैकेट में इसका करो तो ये आपको मिलेगा 2x क्यूब, फिर ये मिलेगा आपको प्लस का 2x स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा प्लस का 2x, फिर आप करोगे माइनस 1 का तो क्या मिलेगा, माइनस का x स्क्वायर, फिर करोगे तो माइनस का x, फिर करोगे तो माइनस का 1। और डिवाइड में क्या चलेगा इसका, जो है आप वही लिख दो, क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो यहीं छोड़ दो। अब आप इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, देखो कुछ कट जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस के, देखो 2x स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और ये किसका है, प्लस का ही x स्क्वायर तो है, देख रहे होंगे आप, 2x स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं, 2 बड़ा है, प्लस का 1 कम है, दो एक्स स्क्वायर माइनस का बच गया, 2x प्लस का और माइनस का x, तो क्या बच जाएगा, प्लस का x और प्लस का 1। ये माइनस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करो तो ये 2x क्यूब, ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का, तो किसका बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा, किसका बच जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस वाली डिजिट बड़ी है, 2x से जब x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x किसका, प्लस का, और ये क्या बच जाएगा, माइनस का 1। डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देना तो कर देना, नहीं तो आप ऐसे ही लिखते रहो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। और डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये देखो 2x क्यूब प्लस के 2x क्यूब माइनस के, और ये माइनस का x, ये प्लस का x, अब क्या बचा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर ये, तो ये हो गया आपका माइनस के 2x स्क्वायर, प्लस का 1 ये, प्लस का 1 ये, क्या हो गया, प्लस का 2। डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आप यही आंसर छोड़ देना। और अगर एक दो स्टेप बढ़ाना चाहो तो क्या कर सकते, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते, इनके मल्टीप्लाई कर सकते, करना चाहो तो कर देना, नहीं तो आप यहीं छोड़ देना। हमारे समझाने का काम था आपका कहाँ तक, यहाँ तक था, हमारा काम कहाँ तक था, इस जगह तक। क्या था हमारा काम, कि आपको अवकलन करना बता दें कैसे कैसे होगा और क्या पद बनेंगे। ये काम जो टोटल पार्ट है ये ओनली ऑन कैलकुलेशन है, आप एक बार आंसर यहाँ भी छोड़ के आ जाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो आपके नंबर काट देगा, लेकिन पूरे नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आप यहाँ तक आप डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल्स टू क्या है, टेन ब्रैकेट में log बेस e, टेन ब्रैकेट में log बेस e रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो एक बार क्वेश्चन वापस, y इज इक्वल्स टू टेन log e ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है आप डायरेक्ट करो तो y का x के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx tan ब्रैकेट में ये tan का एंगल है पूरा ये log e रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझ आ गया। tan का क्या होता है आपको पता है, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, डू द डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स जो दे रखा है वो लिख दिया। टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या होता था सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या दिख रहा है अपने को, पूरा लिख दो लॉग बेस ई रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप किसका करना है, इन टू में एक्स का, टेन के साथ एक्स तो था नहीं, टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह वो लिख दिया, अब एक्स का भी तो करना है तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह क्या है लॉग बेस ई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, या तो इसका रूट एक्स के अकॉर्डिंग कर दो या फिर वही लगाओ वन अपॉन टू चेंज करो, जो आपको दोनों ही कंडीशनें सही होंगी गलत नहीं होगा। तो सेक स्क्वायर ब्रैकेट लॉग बेस ई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में, एक बार करोगे आप लॉग एक्स के अकॉर्डिंग तो लॉग एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा वन अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में एक्स का, मतलब डी अपॉन डी एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का, समझ में आ गया होगा। ये तो सेम लिख दिया, फिर लॉग एक्स के अकॉर्डिंग किया तो क्या होगा वन अपॉन एक्स, फिर उस एक्स का तो डी अपॉन डी एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में कंप्लीट। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर लॉग बेस ई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इन टू में क्या बचेगा ये वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू, रूट एक्स का क्या होता वन अपॉन टू रूट एक्स, तो एक्स की जगह तो यही आ जाएगा, इन टू में इसका तो वन का जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब इनको अपने को सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस e रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या होगा ये देखो 2 से 2 कट जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करो तो ये मतलब बन जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। देखना ध्यान से, x का वन से किया x, वन से किया x, और रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब क्या बच जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्या लिख दोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में सेक स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग बेस ई ब्रैकेट में रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप तो और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना चाहो, ये वन अपॉन टू आगे होगे लाना चाहो तो ले आना, नहीं तो आप यहीं छोड़ देना। ये हो गया आपका आंसर। इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो। थैंक यू।